पहले जो कोड बना रहा हूं मैं कैसे बना रहा हूं, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, और बाद में जो कोड बनाऊंगा मैं वो विद सिंक्रोनाइजेशन बनाऊंगा, और उसमें दोनों में मैं आपको अंतर दिखाने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कोड। मैंने यहां पे एक नया जावा का प्रोजेक्ट ले लिया, सिंक्रोनाइजेशन एग्जाम्पल, नेक्स्ट फिनिश, मैंने क्लास ले लिया एक ए नाम की, या मैं ले लेता हूँ अकाउंट नाम की क्लास। मैंने यहाँ पे किस नाम की ले लिया, अकाउंट भी नहीं ले लेता हूँ मैं, कस्टमर ले लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पे कस्टमर नाम की क्लास ले ली बेटा, पैकेज पैक वन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर नाम की क्लास है। तो नॉर्मली मैं ये बैंक के से एग्जांपल बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, बेसिकली कस्टमर का अकाउंट कहाँ पे होगा, बैंक में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट नाम की क्लास बना ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक अकाउंट नाम की क्लास बनाई। नॉर्मली कस्टमर बैंक में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा पैसे। तो मैंने अभी लिख दिया पब्लिक वॉइड क्रेडिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड क्रेडिट, ठीक है। मैंने क्रेडिट नाम की मेथड बना दी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड डेबिट। तो मैं भी सिर्फ क्रेडिट नाम की मेथड बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं एक ही मेथड रख रहा हूँ, और मैं इसमें फॉर लूप लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं लिख दे रहा हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन 10, क्योंकि 10 टाइम्स चलाना चाहता हूँ आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को क्या है, थोड़ा सा स्लीप में करवाऊंगा उसको जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ पाए। और सभी टाइप के एक्सेप्शन की टॉप मोस्ट क्लास होती है, एक्सेप्शन क्लास होती है, तो मैंने वो लगा दिया है। ट्राई के अंदर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे करंट थ्रेड की प्रॉपर्टी चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छा, अभी मैंने वो लिया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैंने थ्रेड डॉट करंट थ्रेड लिखा, और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे कॉलन और प्लस आई लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थ्रेड डॉट स्लीप कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पे वेट कराओ। मैंने कहा आप स्लीप कराओ 2000 सेकेंड के लिए। तो फिलहाल मैंने एक थ्रेड नाम की क्लास बना दी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा अकाउंट कहाँ पे खुलाते हो आप, बैंक में? अकाउंट कहाँ खुलाते हो आप लोग, बैंक में? तो मैं एक बैंक नाम की क्लास बना रहा हूँ, मैं मल्टीपल बैंक नाम की क्लास बनाऊंगा, लॉजिक सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। बैंक का नाम मैंने ले लिया SBI। मोस्टली हमारे यहाँ इंडिया में अकाउंट किस में होते हैं, SBI में होते हैं, जो कि एक्सटेंड्स कर रही है किसको, थ्रेड को। मैं लिखा क्लास SBI एक्सटेंड थ्रेड, और यहाँ पे मैं अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, एक इंस्टेंस वेरिएबल जो कि सिर्फ डिक्लेयर है। और मैं एक यहाँ पे SBI नाम का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और ये कहता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि अकाउंट टाइप का है। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस डॉट AC इक्वल्स टू AC, और मेरे ये थ्रेड क्लास है तो उसका लॉजिक किसके अंदर लिखूंगा मैं, रन मेथड के अंदर। थ्रेड का लॉजिक किसके अंदर लिखते हैं, रन मेथड के अंदर ना। तो मैंने पब्लिक वॉइड रन लिखा, और रन के अंदर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AC डॉट क्रेडिट। तो अभी फिलहाल मैंने एक SBI नाम की क्लास बनाई है।
किस नाम की क्लास बनाई है? एसबीआई नाम की क्लास बनाई है। अभी ये कोड मैंने किसके लिए लिखा है? एसबीआई बैंक के लिए। हो सकता है कस्टमर एचडीएफसी से भी ट्रांजेक्शन करता हो, वही कस्टमर आईसीआईसीआई से भी कर सकता है। तो आपके पास तो मल्टीपल टाइप के है ना? ठीक है, इंडिया में तो मल्टीपल बैंक्स हैं, तो एक कस्टमर मल्टीपल एक जगह अपने अकाउंट खुलवा सकता है कि नहीं करवा सकता है? तो फिलहाल मैंने एसबीआई के रिगार्डिंग बात की थी। यही कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसी कोड को मैं वापस से पेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने कहा भैया ये मेरी जो दूसरी क्लास है ये एचडीएफसी की है, ये कौन सी है? एचडीएफसी। तो कंस्ट्रक्टर भी किसका आएगा? एचडीएफसी का आएगा। फिर मैंने कहा मेरे पास एक और बैंक कौन सी है? आईसीआईसीआई। कौन सी है? आईसीआईसीआई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर भी किसका बनेगा? आईसीआईसीआई का। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितनी क्लासेज हो गई है? एक होगी अकाउंट, एक होगी एसबीआई, एक होगी एचडीएफसी, एक होगी आईसीआईसीआई और एक होगी कस्टमर। तो बेटा इतना कोड लिखो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इतना कोड लिख लो, जब इतना हो जाए फिर हम आगे बात करेंगे, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। नहीं तो अभी आप ये बोलोगे अच्छा सर ने इधर ये लिख दिया, इधर ये लिख दिया, इधर ये लिख दिया, पर पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है। मुझे पता है अभी मोस्टली लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यार ये लिख तो रहे पर लिख क्या रहे हो, हमें भी तो समझाओ। हमारे ऐसा कोड लिखो जो हमारे लेवल का हो, ये कोड तो कहीं और से ही जा रहा है। तो बेटा अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, बस आप लिखते चलो इस चीज को पहले, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना, मैंने आपको जैसे बताया था, अकाउंट एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड कस्टमर नाम की क्लास बनाई। तो मैं कह रहा हूँ कि बंदा एक ही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बंदा एक ही है जो जिसका ये अकाउंट है और ये अलग अलग जगह से एक्सेस कर रहा है। तो मैंने देखा अकाउंट एज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, मैंने बोला बंदा एक ही है जो अलग अलग बैंकों से क्या कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले एसबीआई, एसबीआई इक्वल्स टू न्यू एसबीआई, और उसके अंदर एसी पास कर दिया क्योंकि अकाउंट एक ही है तो मेमोरी एक ही होगी, ठीक है। फिर सिमिलरली मैंने एसबीआई के बाद एचडीएफसी ले लिया, न्यू एच डी एफ सी, इसके अंदर भी एसी पास कर दिया। फिर मैंने भेज दिया आई सी आई सी आई, आई सी आई सी आई, मैंने उसी के नाम से शॉर्ट से कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, न्यू आई सी आई सी आई, और इसके अंदर भी वही मेमोरी पास कर दी सेम। अब मैं सबके थ्रेड के नाम लिख रहा हूँ। मैंने कहा एस बी आई थ्रेड का नाम मैं लिख देता हूँ, एस बी आई थ्रेड का नाम मैं सेट कर रहा हूँ क्या? एस बी आई, मैंने यहाँ लिख दिया एस बी आई बैंक, ठीक है। मैंने एस बी आई का क्या सेट कर दिया? एस बी आई बैंक। एच डी एफ सी का सेट कर रहा हूँ मैं, एच डी एफ सी का मैं यहाँ पे सेट नेम कर रहा हूँ, एच डी एफ सी बैंक। फिर मैंने यहाँ पे आई सी आई सी आई का सेट नेम किया आई सी आई सी आई बैंक, ठीक है। और फिर मैंने लिखा एस बी आई डॉट स्टार्ट, एच डी एफ सी डॉट स्टार्ट एंड आई सी आई सी आई डॉट स्टार्ट। तो देखो मैंने यहाँ से तीनों को स्टार्ट कर दिया है क्योंकि तीनों क्लास में क्या है, थ्रेड है। आईसीआईसीआई में भी थ्रेड है, एचडीएफसी भी थ्रेड है एंड एसबीआई भी थ्रेड है, तो तीनों थ्रेड है। और जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इधर स्टार्ट करूंगा मेरी यहाँ पे रन मेथड उन लोग की एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो रन मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। रन मेथड के अंदर मैंने उसकी कॉल करवाया है क्रेडिट वाली मेथड एसी के थ्रू, तो एसी किसका एक ऑब्जेक्ट है? अकाउंट का, ठीक है। तो ये अकाउंट की क्रेडिट मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, तो एसबीआई की भी क्रेडिट मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, आपका आईसीआईसीआई की भी क्रेडिट मेथड एग्जीक्यूट हो रही है और आपकी एचडीएफसी की भी क्रेडिट मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो देखो अभी वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मैं यहां पे अभी सिंक्रोनाइजेशन यूज
नहीं कर रहा हूं मैं, रन एस करवा रहा हूं, तो यहां पे आउटपुट देखो क्या आ रहा है। देखो यहां पे मिक्सअप डेटा दिख रहा है आपको, यहां पे देखो मिक्सअप ऑफ डेटा दिख रहा है आपको, तीनों थ्रेड दिख रही है ठीक है आपको, मतलब जैसा रिसोर्स अवेलेबल हो रहा है वह वैसे दिखा रहा है ठीक है। तो ये आपका चला तीनों का। अब आप बोले सर ये स्लो हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने थ्रेड डॉट स्लीप लगा दिया। अच्छा मैं थ्रेड डॉट स्लीप भी हटा दे रहा हूँ बेटा, तो एक साथ दिखाएगा डेटा। मैं यहाँ पे देखिए रनेस कर रहा हूँ जावा एप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पे मिक्सअप ऑफ डेटा आ रहा है, यहाँ पे देखो मिक्सअप ऑफ डेटा आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मिक्सअप ऑफ डेटा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इनमें कई बार इसका डेटा उस पर हो जाए, अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे ग्लिच आने के चांसेस है ना। अभी तो मैं क्या दो तीन थ्रेड चला रहा हूँ, अगर ये मैं 20 करोड़ थ्रेड चलाता ऐसे में तो मेरा डेटा कलेप्स हो जाने वाला, करप्ट हो जाता है इसका डेटा उस पर, उसका डेटा उस पर, क्यों? क्योंकि मेरी इसकी कैपेसिटी नहीं इतनी। तो आपने बोला सर ऐसा कुछ करिए कि जब आपका एक थ्रेड चले तो बाकी थ्रेड आपका क्या हो, स्लीप मोड पे हो या फिर वेट मोड पे, वो बाकी थ्रेड उसको एक्सेस ना कर पाए। तो मैंने कहा उसके लिए होता है सिंक्रोनाइजेशन, उसके लिए कौन सा टॉपिक होता है। तो ये देखो इन्हें पब्लिक वॉइड क्रेडिट लिखा है, इसके आगे मैं सिंपल सा सिंक्रोनाइजेशन लगा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया। जैसे ही मैं इस मेथड के आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा रहा हूं, मैं राइट क्लिक करके रन कर रहा हूं, तो यहां पर देखो आपकी सारी थ्रेड अलग है। पहले SBI बैंक की पूरी चली 9 तक के, फिर HDFC की चली, फिर ICICI की चली। क्या अब ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं कि मतलब एक के बीच में दूसरा चल रहा है क्या? नहीं। तो सिंक्रोनाइज क्या कह रहा है, सिंक्रोनाइज कहता है कि जब आपकी एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगी तो N-थ्रेड जो वन थ्रेड है वो आपकी ब्लॉक मोड पे रहेगी ठीक है, जब तक एक थ्रेड आपकी पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती, जब तक के उस कोड से एक थ्रेड आपका टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती जिस पर आपने सिंक्रोनाइज लगाया, जब तक कि आपको दूसरी थ्रेड उस कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर? तो इससे क्या समझ में आया सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनाइजेशन व्हेन द वन थ्रेड इज वर्किंग इन पर्टिकुलर ब्लॉक अनदर रिमेनिंग थ्रेड्स विल नॉट एग्जीक्यूट द सेम कोड। मतलब जो आपका ब्लॉक के अंदर का जो कोड है एट अ टाइम एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, उनके लिए लॉक हो जाएगा, बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कोड। मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो चुका है जो पर्टिकुलर थ्रेड पर आप वर्क कर रहे हो, और वही थे आपका क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी जो रिमेनिंग थ्रेड है वो क्या करेगी, उस कोड से दूर रहेगी ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज कहाँ पे लगाया बेटा, इस मेथड के ऊपर लगाया है सिंक्रोनाइज के, यहाँ कहाँ पे लगाया हमने, इस मेथड के ऊपर लगाया है। तो जब तक के एक थ्रेड इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, जब तक के रिमेनिंग थ्रेड इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, तो एट अ टाइम जब सिंक्रोनाइज होगा तो एट अ टाइम इसके अंदर एक ही थ्रेड रहेगी ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर तीन चार थ्रेड एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हो। पहले जब सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं लगाया तो तब कैसा चल रहा था, साइमल्टेनियसली चल रहा था, पर अब कैसा चल रहा है, एक बार में एक ही थ्रेड वर्क कर रही है। आई होप आपको सिंक्रोनाइजेशन समझ में आया होगा।